Hello everyone, this is ARK representing ARK 9. Dear all. This is a very, very important, yaar. केस जी हाँ रिसाइडेड केस है सेक्शन 9 के ऊपर ऑफ आईबीसी. याद रखेगा स्टूडेंट हो तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज याद रखना एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन आता है और अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ऑफकोर्स आपकी प्रैक्टिस में बहुत हेल्प करेगा. सो विद रिस्पेक्ट ऑफ माई ऑल सीनियर्स, उन्हें मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ मेरे सीनियर्स को, मैं सीनियर्स को सिर्फ बता रहा हूँ कि सर ये जजमेंट आ गया है और मेरे स्टूडेंट्स को और जो मेरे कलीग्स हैं उनके लिए सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन है. उस स्टूडेंट्स को मैं क्या क्लियर कर दूंगा. देखिए याद रखिएगा ऐसा क्वेश्चन ना एग्जाम में आता है सो ध्यान से सुनिएगा. यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन 9 की एप्लीकेशन. जी हाँ उसे एप्लीकेशन ही ट्रीट किया गया, नॉट सूट. सर मतलब समझना बहुत ध्यान से. सेक्शन 9 आईबीसी कब अट्रैक्ट होता है, जब ऑपरेशनल क्रेडिटर कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस इनिशिएट करना चाहता है अगेंस्ट अ कॉर्पोरेट डेटर. ये सिंपल सी बात है, हम लोग 7, 8, 9 पहले डिस्कस किए हुए हैं. सो ये सेशन स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जिन्होंने पहले पढ़ा है. ठीक है, नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, आप रिक्वेस्ट भेजो ना के 9 के व्हाट्सएप पर, नंबर शो हो रहे हैं कंटिन्यूअस, आपको डेफिनेटली मैं आगे का भी बताऊंगा, बेसिक बताऊंगा. सो कम टू द पॉइंट, अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है. सेक्शन 9 के बारे में डिस्कस करेंगे, लिमिटेशन एक्ट को लेकर यहां पर सेक्शन 5 की रेफरेंस को सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से बताया वो भी डिस्कस करेंगे, और फिर एनसीएलटी. जी एनसीएलटी बोल रहे हैं, एनसीएलटी नेशनल, ऑफकोर्स नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल दिल्ली बेंच के जजमेंट को एनसीएलटी अपीलेट ट्रिब्यूनल ने, जी हां दिल्ली बेंच की, क्या किया, ओवररूल किया, बोला नहीं नहीं तुम इसे एप्लीकेशन ही ट्रीट करोगे, सूट नहीं. ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान सुनना. लेकिन अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिएगा, अब और लोगों तक भी पहुंचेंगे क्योंकि ये चैनल सिर्फ प्रोफेशनल स्पेसिफिक बात करता है. इस चैनल पर कोई गॉसिप या चटपटी बातें नहीं की जाती हैं, यहाँ सिर्फ प्रोफेशनल डेवलपमेंट्स के लिए ही बात की जाती है. सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि और लोगों तक ये बात पहुंचे. इंडिया में वैसे भी क्वालिटी एजुकेशन का बैंड बज रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम और आप मिलकर कुछ कर सकते हैं. सो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को. आइए देखते हैं क्वेश्चन. अब देखिए ध्यान से देखिएगा, सेक्शन 9 ऑफ आईबीसी एप्लीकेशन नॉट अ सूट, हेंस बार अंडर सेक्शन 69 सेक्शन 2 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट नॉट अट्रैक्टेड. दिल्ली एनसीएलटी बेंच ने ये जजमेंट दिया. सर सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सेक्शन 69 सेक्शन 2 क्या है, क्योंकि सेक्शन 9 मैंने अभी बताया जैसा कि ऑपरेशनल क्रेडिटर अब कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस इनिशिएट कर सकता है अगेंस्ट कॉर्पोरेट डेटर. अब उसमें क्या होता है बेसिकली समझना पहले इंपॉर्टेंट क्या है. कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है मान लीजिएगा पार्टीज के बीच में, उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कराना, उस कॉन्ट्रैक्ट से जो राइट मेरे हैं मैं उन्हें एनफोर्स कराना चाहता हूं अगेंस्ट कॉर्पोरेट डेटर. वन मोर टाइम क्या कह रहा हूं, आई एम अ ऑपरेशनल क्रेडिटर एंड आई वांट टू एनफोर्स माय कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स अगेंस्ट द कॉर्पोरेट डेटर. की बोला कॉर्पोरेट डेटर, ये तो मैं करना पड़ेगा. जब ये एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 9 ऑपरेशनल क्रेडिटर ने एनसीएलटी, जी हाँ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल दिल्ली बेंच में लगाई, दिल्ली बेंच ने इसको देखा और सीधा बोला सुनो ऐसा है ये एप्लीकेशन बार्ड है अंडर सेक्शन 69 सेक्शन 2 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट. बोला सर कैसे, सर कैसे, बोला जाओ पढ़ लो सेक्शन 69 सेक्शन 2 में क्या लिखा हुआ है. तो बोला ठीक है पढ़ लेते हैं. तो आइए अब यहां सेक्शन 69 सेक्शन 2 क्या कहता है, लाउडली बोल रहा हूं ध्यान सुनना, पढ़े हुए पहले इसलिए समझ में आ जाएगा. सेक्शन 69 सेक्शन 2 कहता है नो सूट टू एनफोर्स अ राइट अराइजिंग फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन एनी कोर्ट बाय और ऑन बिहाफ ऑफ अ फर्म अगेंस्ट एनी थर्ड पार्टी अनलेस द फर्म इज रजिस्टर्ड, अनलेस द फर्म इज रजिस्टर्ड. बोला ठीक है, एंड द पर्सन सुइंग आर ऑल हैव बीन शोन इन द रजिस्टर ऑफ फर्म्स एज अ पार्टनर्स इन द फर्म. बोला ठीक है, तो यहां वर्ड जो यूज कर रहा है ध्यान से देखिएगा वो है कौन सा वर्ड है, सूट. बट जब यहां डिफाइन अगर हम देखेंगे सेक्शन 9 क्या एक एप्लीकेशन है, अगर हम इस फ्रेज को ध्यान से समझें, देखो उफ जी देखिएगा ठीक है, सेक्शन 69 सेक्शन 2 समझ में आया. अब देखो यहां पे सूट कह रहा है उसे, ठीक है आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर टेक्निकल इनकन्वीनियंस, आपको प्रॉब्लम आ रही है बट आई एम एक्सट्रीमली सॉरी. और अब देखिएगा यहां हम जाते हैं, अभी देखो यहां पे बैकग्राउंड फैक्ट्स क्या थे देखते हैं. देखो रॉकेला स्टील सिंडिकेट ऑपरेशनल क्रेडिटर अ पार्टनरशिप फर्म फाइल्ड एन एप्लीकेशन सेक्शन 9 ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 सीकिंग इनिशिएशन ऑफ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस अगेंस्ट मितेश टैक फैब्रिकेटर्स प्राइवेट लिमिटेड कॉर्पोरेट डेटर. अब हम यहां पर पार्टी का नेम चाहे तो एक बार के लिए हटा देते हैं और हम सिर्फ इतना सोचते हैं एक बार के लिए, ध्यान सुनना, क्या ऑपरेशनल क्रेडिटर
फाइल कर रहा है एप्लीकेशन सेक्शन 9 अगेंस्ट कॉर्पोरेट डेटर, बोला ठीक है 9/6/2022, जी हां, द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी रिजेक्टेड द एप्लीकेशन व्हाइल होल्डिंग दैट सेम इज बार्ड बाय सेक्शन 69(2) ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. इट वाज ऑब्जर्व दैट सेक्शन 69(2) बार्स अ सूट इंस्टीट्यूटेड बाय एन अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप, देयरफॉर एप्लीकेशन फाइल्ड बाय ऑपरेशनल क्रेडिटर अगेंस्ट अ थर्ड पार्टी फॉर एनफोर्सिंग अ राइट अराइजिंग आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज बार्ड. अब ध्यान से सुनना वापस से, यहां पर सेक्शन 69(2) की रेफरेंस देते हुए एनसीएलटी दिल्ली बेंच ने यह कहा कि भाई सूट बार्ड है अगर कोई भी अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म जी फाइल करेगी तो, बोला ठीक है. लेकिन यहां पर इस जजमेंट के बाद में याद रखिएगा इसको चैलेंज किया गया, जी हां अपील की गई इन अपीलेट ट्रिब्यूनल, और अपीलेट ट्रिब्यूनल ने कहा भाई एनसीएलटी बेंच जरा होश में आ जाओ, समझो ये क्या है, ये एप्लीकेशन है सूट नहीं है. सेक्शन 69(2) ऑफ पार्टनरशिप एक्ट में सूट को बार बोला गया है, एप्लीकेशन को नहीं. देखो ऑपरेशनल क्रेडिटर फाइल एन अपील बिफोर, ध्यान से ध्यान लगा के देखिएगा, यहां पर ऑपरेशनल क्रेडिटर फाइल एन अपील बिफोर द एनसीएलटी अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ डिसमिसल एंड कंटेनेड दैट एन एप्लीकेशन इन सेक्शन 9 ऑफ आईबीसी नॉट एकिन टू अ सूट, हेंस द बार इन सेक्शन 69(2) नॉट अट्रैक्टेड. ये ग्राउंड था अपील का कि मैं इस ग्राउंड पे इस फैक्ट्स पे मैं चैलेंज कर रहा हूं किसका, एनसीएलटी का ऑर्डर, बोला ठीक है. आगे देखते हैं, फिर देखो यहां भी सेक्शन 69(2) हमने डिस्कस किया था. नाउ एनसीएलटी वर्डिक्ट क्या रहा, एलटी का अपीलेट ट्रिब्यूनल ने क्या वर्डिक्ट दिया, आइए ध्यान से देखते हैं इसको भी. आइए देखिए, Bench held that application of section 9 of IBC cannot be said to be a suit. Supreme Court judgment BK Education Services Private Limited versus Parag Gupta and Associates has held that section 5 of Limitation Act, ji haan, section 5 of Limitation Act 1963 is fully applicable to application, ji haan, jahan aap jante honge section 5 of Limitation Act mein exceptional cases ke andar आपकी याद देखिएगा एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली जाती है, एप्लीकेशन है या अपील है, आप पढ़े होंगे अगर तो सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट, जहां पर आपको डिले आपकी एंटरटेन कर लेता है कोर्ट ड्यू टू सफिशिएंट रीजन, अगर सफिशिएंट रीजन होता है, और ये भी आपने पढ़ा होगा सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट कहता है इस केस के अंदर जी हाँ डिस्क्रिशनरी पावर यूज कर सकते हैं जो है मजिस्ट्रेट, या फोर्स उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो चाहे तो डिस्क्रिप्शन पावर एक्सरसाइज करके एंटरटेन कर सकते हैं एप्लीकेशन अपील को अगर वो एक टाइम पीरियड बाद फाइल की जा रही है, ठीक है. बट सूट पे वो अप्लाई नहीं होता क्योंकि सूट में ऑलरेडी एक बहुत लॉन्गर पीरियड ऑलरेडी गिवन होता है, ठीक है. अब यहां पर सेक्शन जी हाँ 9 को भी जब हमने डिस्कस किया तो मैं बताना चाह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट ने भी जजमेंट में कहा जो सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963 है वो अप्लाई होता है, समझना इस बात को, अप्लाई कहां होता है सेक्शन 7 एंड 9, 7 जहां पे सेक्शन 7 ऑफ आईबीसी जहां पे याद देखिएगा फाइनेंशियल क्रेडिटर इनिशिएट करता है कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी प्रोसेस एंड सेक्शन 9 के अंदर ऑपरेशनल क्रेडिटर करता है. सिंस सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू सूट, दिस इंडिकेट्स दैट एप्लीकेशन इन सेक्शन 7 एंड 9 आर नॉट अ सूट, बोला. सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को भी ध्यान से पढ़ लेते, एनसीएलटी आखिर तुम्हारे ही तो स्टेट के अंदर है सुप्रीम कोर्ट, वहीं तो ध्यान दे लेते. एनीवेज नाउ फर्दर देखते हैं, देखिएगा आइएगा, मैं कोई लैक पुलिंग नहीं कर रहा हूं. देखिए जजमेंट ऑफ फॉरेन सिविल कोर्ट रिलाइड बाय द जनरल अथॉरिटी रिगार्डिंग बार ऑफ सेक्शन 69(2) इज नॉट अट्रैक्टेड इन प्रेजेंट केस सिंस एप्लीकेशन सेक्शन 9 कैन नॉट बी ट्रीटेड एज सूट. याद रखना एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ा अटेंशन के साथ देखिएगा, या क्राइम का अगर केस आता है तो उसे केस स्टडी करते हुए इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा. Bench opined that adjudicatory authority erroneously rejected a section 9 application on the ground that it is barred by section 69(2) of the Partnership Act. The order dated 9/6/2022 has been set aside and then section 9 application has been revived before the adjudicatory authority to be heard and decided in accordance with the law. Decide करना, समझो दो important बातें, decide करना एक अलग चीज है, decide करने से पहले important चीज क्या होगा कि first of all your petition must be accepted or admitted बाद ही, एडजुडिकेट अथॉरिटी जब तक वो एडमिटेड नहीं होगी डिसाइड बाद में होगी. फैक्ट्स को देखेंगे, एविडेंसेस को देखेंगे, उन सारी एस्पेक्ट्स को कंसिडर करेंगे, फैक्ट्स एविडेंसेस एंड लॉ के अप्लाई एप्लीकेबल करके देखेंगे होता है नहीं होता है, क्या रेमेडीज अवेलेबल होंगी. बट
सबसे इंपॉर्टेंट इसका एडमिट होना। तो सेक्शन नाइन जो है वो एक एप्लीकेशन है, सूट नहीं है। सर इस बात को आप सीधा भी बोल देते तो इतनी मेहनत नहीं लगती बोलने की। ये सारी बातें इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि लॉ में ना आंसर को ऑथेंटिकेट होना जरूरी है, मेरे आपके कहने से नहीं। क्या लिखा है और क्या इसकी रियालिटी है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। ऑलराइट, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे बहुत सारे केस लॉ होते रहेंगे कंटिन्यूस। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। नेक्स्ट सेशन के लिए रेडी रहेगा। गुड बाय, टेक केयर।